अगर ये सपना नहीं तो क्या है? खुद ही मैं खुद को देखता हूं। लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाता। अगर ये मजाक नहीं तो क्या है? सपने में भी सपनों की दुनिया में रहता हूं और उन सारे सपनों के सच होने के सपने में जीता हूं। अगर ये सपनों की लहर नहीं तो क्या है? खुद से ही खुद को बनाकर, खुद ही से खुद को मिटाकर, खुद ही में मिल जाता। अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है? जागना तो चाहता हूं मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगा। अब करूं तो क्या करूं? इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर मैं खुद को पा लूंगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पिछले कई सालों से ध्यान कर रहे हैं या इस रास्ते पे चल रहे हैं? बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ या बता सकता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर हम चलते हैं तो हर एक के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो भी आप मुझसे पूछने वाले हैं उसमें से कुछ सीख सकता हूँ, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। और वही आज होगा, मैं अपने एक एक करके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं अभी फिजियोथेरेपी के एक डॉक्टर के पास में जा रहा था, थोड़ा सा पेन हुआ था। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मुझे हंसी आ गई। कहते कि यार रामायण में एक बात बताओ, लक्ष्मण ने उसकी सुपर्णखा की नाक काट दी। कहते अगर आज के टाइम में किया होता तो जेल में होता। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसने किया तो गलती, और फिर कह रहे हैं कि रावण की गलती है। रावण ने क्या गलती करी? सीता को हाथ तक नहीं लगाया, तो रावण का गलत है? गलत तो ये है कि भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना, बात कर लेते। हाथ क्यों उठाया? ऐसे ही आप रामायण में जाओ, महाभारत में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, जहां भी जाओगे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे। बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे कि एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि ये कहानियां हैं, ये कहानियां हैं, और इन कहानियों में हम मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसको लिटरली देख करके, कहानी के फॉर्म में एक बहुत बड़े मैसेज को प्रिजर्व किया हुआ है। उस कहानी को जब आप अनफोल्ड करेंगे तो अंदर से एक मैसेज निकल करके आएगा, उस मैसेज को पकड़ना है। इन ग्रंथों के डीप में अगर आपको जाना है तो पहले खुद को जानना होगा, उसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। एक एक बात जो रामायण में है, जो महाभारत में है, या बाइबल में है, या कुरान में है, वो सच है। देखने का नजरिया अलग अलग है। एक नजर से हम देखेंगे वही चीज हमको गलत लगेगी, एक नजर से देखेंगे हमको सही लगेगी, लेकिन है वो सब सच, झूठ नहीं है। किस स्तर पे है वो जब आप अंदर जाओगे धीरे धीरे समझ आएगा कि राम है क्या,
हनुमान क्या है, उसको वायु पुत्र क्यों बोला गया है, मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है। जब ब्रेथ लंका में जाती है, ये लंका क्या यही तो नहीं है कहीं, शरीर जो सोने की लंका है, सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलिनी शक्ति तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है। और जब हनुमान लंका में पहुंचता है तो लंका में आग क्यों लगती है, जब ब्रेथ हमारी पूरी बॉडी को जलाती है तो तप क्यों बोलते हैं उसको, ये क्यों बोलते हैं कि शरीर को तपाना पड़ेगा, और तपाने से क्या होता है, ये शरीर कहाँ जाता है, बाण यहीं क्यों लगना चाहिए रावण के, कहीं और क्यों नहीं, यहां पर ऐसा क्या है, इस चक्र में ऐसा क्या है, कहीं ये अग्नि का चक्र तो नहीं है, कहीं अग्नि से रूप तो उत्पन्न नहीं होता, कहीं हमारा सारा रूप इसकी वजह से तो नहीं है, अगर यहां बाण लगा तो क्या होगा, राम नाम में ज्यादा ताकत है या राम में ज्यादा ताकत है। रामायण में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है, उससे आपकी पूरी रामायण ढह जाएगी पानी की तरह। वो क्या है, लोगों ने भगवान बना दिया राम को, जबकि उस पूरी रामायण में भगवान कुछ और है, भगवान राम का नाम है, ना कि वो इंसान है जिसकी बात की जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। एक बार उसका एक छोटा सा किस्सा है, जब जा करके वो पत्थर फेंक रहे होते हैं राम राम लिख करके, उसमें राम भगवान खुद जा करके एक पत्थर को उठा करके फेंकते हैं समुद्र में और वो डूब जाता है। क्या मतलब है, राम नाम नहीं है। एक गाड़ी जा रही है, वहां पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, एक गाड़ी है, गाड़ी क्या है, आपकी बॉडी है, माइंड जो है वो आपका ड्राइवर है जो उस बॉडी को चला रहा है। आप बैठे हुए हो, आपको झपकी लग गई, नींद आ गई, आप सो गए हो, माइंड क्या कर रहा है, वो जागा हुआ है, वो जहाँ चाह रहा है वहाँ लेकर के जा रहा है और बॉडी को इधर उधर ठोक रहा है, ठार धार 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 धार, और पीछे बैठे बैठे आप बस झटके खा रहे हो, आप परेशान हो, ये हो रहा है, ये खेल है। तो जैसे ही आप जाग जाओगे क्या होगा, ड्राइवर को पता लग जाएगा कि भाई ये तो जाग गया है, अब थोड़ा तरीके से चलाओ गाड़ी। अब आप अगर उसको कहोगे कि तूने ये करना है तो वो ये करेगा, वो करना है तो वो करेगा, उस गाड़ी को जहाँ लेकर के जाना है वहाँ लेकर के जा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। ये तो आप कौन हो जो पीछे बैठे हो, आप मालिक हो, मालिक नौकर बन गया, नौकर मालिक बन गया, ये जड़ है सारी की सारी प्रॉब्लम। सवाल एक्चुअल में ये है कि सबसे पहले तो कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, क्या जो आदमी स्पिरिचुअलिटी में है क्या वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कट गया, हो सकता है हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है एक मटेरियलिस्टिक आदमी इस वर्ल्ड में रह करके एक स्पिरिचुअल आदमी जो पहाड़ पे जाकर के चोटी पे बैठा हुआ है उससे लाख गुना ज्यादा स्पिरिचुअल हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है किसी भी वे में वो बिल्कुल ही अनस्पिरिचुअल हो, वो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो, तो सारा खेल यहां है। देयर इज नो डिवाइडिंग लाइन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ये सिर्फ हमारे मन के वहम है, हम खुद अपनी एक इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करके अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए या तो हम बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं या हम बोल रहे हैं कि हम मटेरियलिस्टिक हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप कट चुके हो उसमें रहते हुए भी। अच्छा, जैसे कमल खिलता है, कमल का क्या सिंबल है, कीचड़ के अंदर से कमल खिल रहा है, क्या आप उस तरीके से हो, और ये कीचड़ क्या है, कहीं ये दुनिया ही कीचड़ तो नहीं है, और इसमें से खिलना, इससे हल्का सा ऊपर उठना, क्या यही स्पिरिचुअलिटी है, या इसमें रमे रहना और उसको स्पिरिचुअलिटी का नाम देना, मटेरियलिस्टिक चीजों का नाम देना, रिलीजन का नाम देना, भगवान का नाम देना, क्या वो स्पिरिचुअलिटी है। अभ्यास आपका राइट है, आप कर सकते हो, यही करना है। वैराग्य आप नहीं कर सकते, वो होता है अपने आप अभ्यास के थ्रू। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज पे, किसी भी काम पे, चाहे बाहर चाहे अंदर, आप कर सकते हो, मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, मेडिटेशन में जा सकते हो। कोई अगर आपको कहता है ना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान में आप चले जाते हो, जब कुछ करना ना पड़े अपने आप होने लग जाए तब आप ध्यान की उसमें हो अवस्था में। सो अब ये वैराग्य होता क्या है,
अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको छोड़ने से अटैचमेंट हो गई है, इसको भी छोड़ना है। तो चीजें छूटती कैसे हैं? ये वैराग्य है क्या? अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब आप आगे बढ़ते हो। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो चीजें कैसे छूटती हैं, ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छूटती है। आज आपके पास में साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, क्या है आपके पास में? बाइक है। तो अगर आपको कोई आ करके देगा कि भैया मेरी साइकिल ले ले और अपनी बाइक मुझे दे दे, दे दोगे? नहीं दोगे। गाड़ी देगा तो? हाँ, फिर तैयार है। गाड़ी बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया ब्रांड न्यू गाड़ी, एक्सचेंज हो जाएगी। गाड़ी आपको मिल गई, सपोज सेंट्रो मिल गई, कल को कोई आता है और बढ़िया आपको गाड़ी दे देता है, होंडा सिटी दे देता है, कर लोगे एक्सचेंज सेंट्रो से? कर लोगे। तो आपने क्या किया, सेंट्रो को छोड़ दिया और होंडा सिटी को पकड़ लिया। इसी को वैराग्य बोलते हैं। जब भी हमको कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोटी अपने आप ही छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। जिसके पास में सिर्फ बाइक है उसको आप बोलोगे मेरे को अपनी बाइक दे दे, आप अपनी जान लगा दोगे, अपनी बाइक नहीं दोगे, लड़ पड़ोगे उस आदमी से, चार लोग भी आ जाएंगे, आप बाइक को नहीं छोड़ोगे, लेट जाओगे वहां सड़क पे, बाइक नहीं छोड़ूंगा, है ना। और गाड़ी मिल गई तो बाइक छूट गई। गाड़ी के बाद में जेट प्लेन मिल गया तो क्या आपको गाड़ी की टेंशन रहेगी? नहीं। फिर आप जेट को नहीं छोड़ोगे। जब जेट से भी बड़ा कुछ मिल गया तो जेट अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में समझ आने की बात है ना, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, इसी को कॉन्शियसनेस बोला गया, इसी को नॉलेज बोला गया, अलग अलग नाम से उसको बोला जा रहा है। नॉलेज कहां से आती है? कॉन्शियसनेस के स्तर के बढ़ने से। जितनी आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो अपने आप ही छूटती चली जाएंगी, छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, छोड़ भी नहीं सकते। जब परम आनंद मिल गया तो छोटी छोटी चीजों में आपको कहां आनंद आएगा? जब भी आपका मन शांत होगा कुछ भी करने से, वो अच्छे कर्म। जिससे भी आपका मन अशांत होगा या दूसरों का मन अशांत होगा वो बुरे कर्म। अगर इसका मैं बेस बताऊं, बेस कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जो भी इस कैटेगरी में फॉल होता है वो अच्छे कर्म है, जो इस कैटेगरी से बाहर है वो सब बुरे कर्म है। वो क्या है? सबसे पहला सेल्फ इंक्वायरी, सबसे अच्छा कर्म है, इससे अच्छा दुनिया का कोई कर्म नहीं हो सकता। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी की स्पिरिट क्या है कि मैं हूं कौन, इससे अच्छा कर्म दुनिया में और कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको अंदर लेकर के जा रहा है, बाकी सारे विचार आपको बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो कितने लोगों के अंदर ये सवाल उठा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं? दिस इज, इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है इस दुनिया में, इसको पकड़ करके रखो। जब तक ये सवाल आपके अंदर है आप अच्छे कर्म कर रहे हो। जिस दिन ये सवाल आपके अंदर से निकल गया आप बुराई के रास्ते पे अपने आप ही चल पड़ोगे, चलोगे नहीं, चलने लग जाओगे। दूसरा क्या है? सेल्फ कंट्रोल। जो करने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, किसके ऊपर? अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक दश इंद्रिय जिसको बोला गया माइंड, अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इस 11 के बाहर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन 11 पे आपको कंट्रोल करना है। वही लोग नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है कि मैंने स्विमिंग सीख ली। कहां सीखी? पानी के बाहर। पानी के बाहर तब पता लगेगा उसको स्विमिंग आती है नहीं, जब वो पानी के अंदर जाएगा। तो जब वो इंद्रियां आपके ऊपर हावी होती हैं तब उस समय आपको अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति किसकी है? उसी की है, अंदर जो है उसकी इच्छा शक्ति को लेकर के सामने आना है। और उस समय धीरे धीरे अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल आता चला गया एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, ये सब 10 की 10 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होंगी। चाहोगे तो करोगे, चाहोगे तो नहीं करोगे, चाहोगे तो यहां से कुछ आएगा, चाहोगे तो नहीं आएगा। और एंड में जो 11वीं इंद्री बच जाएगी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है माइंड। धीरे धीरे जब ये 10 इंद्रियां हटेंगी उसके बाद में जब ये माइंड आएगा आपके सामने निकल कर, विच इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी सारी पावर्स इस माइंड के अंदर है, सारी पावर्स। और इसके युद्ध को, इस माइंड के साथ के युद्ध को बोला गया है रामायण और महाभारत। इस युद्ध की बात है, ये कुरुक्षेत्र है ना, ये बॉडी ही कुरुक्षेत्र है,
यही सोने की लंका है, इसको जलाना है, इसी के अंदर युद्ध होने हैं, तरह तरह के युद्ध होने हैं। अब उस युद्ध को कैसे लड़ना है, यही अभ्यास है, यही स्पिरिचुअलिटी, और उस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है। जब आप जीत जाओगे तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, उसी को धर्म बोलते हैं। तब तक, जब तक कि आप नहीं जीतते उस युद्ध को, तब तक सब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। अधर्म में हम धर्म की बात करते चले जाएंगे और कहेंगे हम धर्मात्मा है, अरे ना भाई ना। करीबन एक साल पहले मैं धर्मशाला गया था, और वहाँ जा करके एक पहाड़ है जहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ से 20 मिनट पैदल चल के जाना होता है, और वहाँ पे जा करके एक होटल बना हुआ है, वहाँ पर अपनी सांसों की भी आवाज़ शोर सुनाई देती है। तो मैं 10 दिन तक वहीं था, और मैं बैठा हुआ बाहर ध्यान करने के लिए, शाम को करने बैठा था करीबन 4-5 बजे, और 7-8 बज गए, 9 बज गए, मुझे नहीं पता कितना क्या टाइम हो रहा था, रात हो गई थी। और रात होते होते वहाँ पर बहुत तेज़ मेरे कानों के अंदर एक झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने लगी। झिंगुर पता है सबको क्या होता है, जंगल में नहीं होता वो घर्र करके वो आवाज़ें आती हैं, उस आवाज़ को मैंने देखना शुरू किया। देखना मतलब मन की आँखों से देखना, एक आँख से देखना, जिसमें एक आँख से देखने की बात करी गई है ना, एक आँख से देखना, उसको देखना शुरू किया बंद आँखों से। जब उसको देखा तो वो एक आवाज़ नहीं थी, वो दो आवाज़ें थी, दो के बाद में और दिखी, फिर और दिखी, फिर और दिखी, उसके अंदर कई आवाज़ें थी, उस एक झिंगुर की आवाज़ में बहुत सारी आवाज़ें थी। उस आवाज़ को तोड़ा तो समझ आया कि ये एक आवाज़ नहीं है, एक लग रही थी, एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं। जैसे एक वीडियो देखते हैं, वीडियो में एक सेकंड में 25 फ्रेम निकल जाते हैं, 25 स्टिल फोटोग्राफ्स निकलती हैं, देखने में क्या लगता है कि मैंने एक सेकंड देखा, जबकि 25 फ्रेम निकल गए। सोचो अगर उसको स्लो मोशन में कर दिया जाए तो आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है, फिल्म चल कैसी रही है। तो जैसा आप फिल्म के बारे में सोच रहे हो और जो फिल्म है उसमें फर्क आता चला जाएगा। ऐसे ही आवाज़ में है, ऐसे ही हर चीज़ में है, ऐसे ही स्मेल में है, हर चीज़ में है, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमको दिख रहा होता है वो कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। ये हमारी माइंड की परसेप्शन होती है जो उसको इंटरप्रेट करके उस साउंड को देती है। जैसे ही मेरा ध्यान उस आवाज़ में जा रहा था, वो एक्सपैंड करती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। ध्यान हटा, वहां से दूसरी आवाज की तरफ आया, जो बेस था, जिस आवाज के ऊपर ही आवाज टिकी हुई थी, तो आवाज गायब, कहां से आई, कहां गई, पता नहीं। तो जब तक मैं देख रहा था बहुत सारी आवाजें थी, जो आवाजें एक उस आवाज में से निकल करके आ रही थी, उसी में से आई, उसी में से गई, उसी में से आई, उसी में से गई। उसको भी देखना बंद किया तो मैं भी नहीं था, कुछ कुछ। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या समझ आया, ये चीज हो गई। और कई बार क्या होता है कि वो चीज हो जाती है, यहीं पे सेल्फ इंक्वायरी का बहुत बड़ा रोल आता है, जो मैंने आपको कहा ना, सेल्फ इंक्वायरी, हर चीज को समझना है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना, उसको समझना भी है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस समय नहीं समझ आया, उस समय तो बस ये एक्सपीरियंस रजिस्टर हो गया। लेकिन जब बाद में इसके बारे में मैंने समझने की कोशिश करी, तो मेरे को दो चीजें मोटी मोटी समझ में आई। एक ये कि जब भी हम अपना ध्यान किसी भी चीज की तरफ लगा देते हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक्सपैंड करने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाती है। दूसरी चीज जो समझ आई कि वो आवाज थी, मुझे लगता क्या था कि वो आवाज है, इसलिए मैं उस आवाज को सुन रहा हूं, जबकि सच्चाई क्या थी कि मैं सुन रहा था इसलिए वो आवाज थी। अब इसको आवाज से हटा करके कहीं और डालते हैं। आप हो इसलिए मैं आपको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं इस वजह से आप हो, नहीं तो आप हो ही नहीं। उसमें सिर्फ आप नहीं हो, मैं भी, ये सब एक ही है, अलग नहीं है। आप भी जो देख रहे हो, चाहे अपने आप को देख रहे हो शीशे में, चाहे इनको देख रहे हो, चाहे मुझे देख रहे हो, मैं हूं नहीं,
आप देख रहे हो इस वजह से मैं आपको दिख रहा हूं, जहां आपने देखना बंद किया मैं हुई नहीं। ये हो गया जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा था। प्रैक्टिकली समझना है कैसे होता है, साइंटिफिकली समझना है कैसे होता है, क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू कर दो। क्वांटम फिजिक्स के बारे में किसी ने सुना है? साइंस है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं है। यही जो बात मैं आपको बोल रहा हूं, ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं इसको, जब कोई देख रहा है तो मैटर है, ये मैटर है, नहीं देख रहा है तो सिर्फ वेव्स है, ऊर्जा है जो बह रही है। देखने से सब चीजें मटीरियलाइज होती चली जा रही है, बनती चली जा रही है। तो मैं आपको देख कहां रहा हूं और कौन देख रहा है? क्या आप सच में हो या मेरी सिर्फ एक इमेजिनेशन हो? इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल, जिसको कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सके और बड़े से बड़ा आदमी भी समझ सके, किसी भी स्टेट में हो वो मेडिटेशन में, बिगिनर लेवल पे है या बहुत एडवांस लेवल पे है, वो समझ जाएगा, कोई भी समझ सकता है। इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो यहां पर आना चाहे, एनीबडी, आप आंखें बंद कर लीजिए, अपना जो जो मैं कहूंगा उसको आपको इमेजिन करते चले जाना है। अब जो मैंने अभी आपको कहा है ना, उसका लाइव आप एक एग्जांपल देखने वाले हैं, लाइव एग्जांपल अपने सामने, कि बेसिकली क्या होता है, क्या क्या खेल है, ये माया है क्या, कर्म क्या है, धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, आफ्टर डेथ क्या है, बिफोर लाइफ क्या है, वो सब कुछ है इसके अंदर। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर सब सब क्लियर होता चला जाए। अब ये मत समझना मैं इनको हवा में उड़ाने वाला हूँ, जादू नहीं है भाई। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं रात को सोते समय? सब देखते हैं। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो सपना सच लग रहा होता है या झूठ लग रहा होता है? सच लग रहा होता है। सपने कैसे आते हैं ये देखना है अपने को। कोई ना कोई अंदर डिजायर होता है तभी सपना आ रहा है। बहुत बार आप देखेंगे जो सपना है वो हमारे किसी ना किसी डिजायर से रिलेटेड ही आता है। जो आप रियलिटी में नहीं कर पा रहे उसको सपने में करने की कोशिश कर रहे हो, होता है ऐसा? सबके साथ होता है। कई बार एब्स्ट्रैक्ट सा कोई सपना आता है, इसका मतलब वो डिजायर तो है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके कितनी गहराई में जाकर के वो डिजायर है जिसकी वजह से वो सपना आ रहा है। बिना कामना के सपना नहीं आ सकता। अब ये सपने में है और इन्होंने क्या किया, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना ली कि मैं एक लड़का हूं और बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ये बनना चाहती है, जिसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल एब्स वैब्स ये वो और बिल्कुल फिट, फिजिकली फिट, और एक बोट के ऊपर समुद्र के बीच में जा रही हूं मैं, ऐसे खड़ी हुई हूं और हवा चल रही है सामने से। इतनी देर में इनकी नजर पड़ी एक मछली के ऊपर, एक मछली, बड़ी सुंदर सी मछली, गोल्डन कलर की, वो मछली जा रही है। जबकि क्या वो इनसे अलग है? वो मछली क्या है? वो भी तो इन्हीं की इमेजिनेशन है। अब इसको ध्यान से समझना, एक एक करके लेयर्स आती चली जाएंगी, लेयर्स खुलती चली जाएंगी। सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। अब वहां से क्या हुआ कि जैसे ही मछली को देखा तो मछली को देख करके ख्याल आना जायज है, यार इंसान होने की बजाय, ये लड़का होने की बजाय अगर मैं मछली होता तो समुद्र के नीचे की दुनिया जा करके देखता, बिना कोई मास्क लगाए, बिना कुछ करे, आ ये भी एक दुनिया है, मजा आ जाता। कामना उठ गई, डिजायर उठ गया। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, यही कर्म है। जहां डिजायर उठा कर्म हुआ। अब जैसे ये डिजायर उठा इमीडिएटली उसी मछली के अंदर पेट में ये पहुंच गई। और सपने में टाइम और स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है, जो हमारी रियल लाइफ में चीजें 50 साल में होती है वो सपने में 50 सेकंड में हो जाती है। तो क्या हुआ, इमीडिएटली इनके अंदर वो आया, उसके अंदर पेट में वो पहुंची और वहां से वो निकली और फटाफट से बड़ी हुई और तैर रही। अब ये क्या बन गई, मछली। अब उस लड़के को भूल गई, अब ये मछली है और मछली की दुनिया देख रही है, मछली की नजर से दुनिया को देख रही है, चाहे उस लड़के को देख रही है, चाहे समुद्र के अंदर देख रही है, चाहे यहां चाहे वहां चाहे यहां वहां वहां वहां। अब इनके अंदर डिजायर उठा, मछली है गोल्डन कलर की, बड़ी सी अच्छी सी सुंदर सी मछली, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। एकदम से इनकी नजर पड़ी कि यहां पर एक और मछली है जिसके साथ में उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसने कहा कि यार काश मेरे भी दो बच्चे होते। बड़ा सिंपल सा डिजायर है, उठेगा ये
अगर सपने की आप गहराई में जाओगे, ऐसे तो सपने बनते हैं, बस ये है कि हम उसको देखते नहीं हैं, हमें पता नहीं लग रहा होता कैसे बन रहा है। मैं आपको चेन बता रहा हूं कि कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक सपने में से एक सपना बना जहां पर ये लड़का है, वहां पर से एक सपना बना जहां पर ये मछली है, और मछलियों को और उनके बच्चों को उसकी फैमिली को देख करके इनके अंदर एक और डिजायर उठाया कि मेरी भी फैमिली होनी चाहिए। जैसे ये डिजायर उठा उनके अंदर से मछलियां बाहर आ गई। अब ये भी दो मछलियों के साथ में तैर रही है, और क्या बोला इन्होंने कि ये दोनों मछलियां, ये जो दोनों हैं, ये मेरी है, बाकी कोई मेरा नहीं है। इस मछली के लिए ये वाली, क्योंकि वो पीछे का सब भूल चुकी है, उसके लिए आज की जो रियलिटी है वो क्या है सपने के अंदर, इस लेयर के अंदर, कि ये जो दो जो बच्चे हैं ये मेरे हैं, जबकि सब कुछ ही इनका है। समझ गए क्या हो रहा है? वो लड़का भी यही है, मछली भी यही है, सब कुछ यही है। अब एक दिन एक शिकारी आया और उसने आ करके कांटा फेंका, और कांटा जा करके, ये तो बड़ी थी, ये तो बच गई, इन्होंने देखा एकदम से, लेकिन जो बच्चा है जिससे आपको इतना प्यार है, जिसके साथ पता नहीं कब तक आप खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, और बड़ा जबरदस्त अटैचमेंट है, क्योंकि उस अटैचमेंट को आप अपने माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे फील कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से आप फील कर चुके हो। और जैसे ही उसके गले में कांटा पड़ा, वो छटपटाने लगा, आपका जो बच्चा है, एक बच्चा है, दूसरा वो रोने लगा जो दूसरी मछली है, और आप उसको देख रहे हो, अपने बच्चे को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस कांटे से लड़ रहे हो, अपने आप को उससे जा करके टकरा रहे हो, लेकिन आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे, और धीरे धीरे करते करते वो बेचारी खून ही खून चारों तरफ, और उसको ऊपर से खींच लिया एक शिकारी ने, खींच करके अपने पास में रख लिया। अब भयानक गुस्सा है और बदला लेने की भावना आई अंदर से, आएगी कि कौन है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे बच्चे को मार दिया, मैं अच्छी खासी खेल रही थी अपने बच्चे के साथ में, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों आकर के शिकारी ने मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा। और उनके अंदर गुस्सा भर गया, भयानक गुस्सा, बदला लेने की भावना आई कि मैं उस शिकारी को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ही होगा अगर रियल लाइफ में, इमेजिन करो अगर आप में से किसी के बच्चे के ऊपर कोई हाथ डाल दे, आप क्या करोगे, यही तो करोगे ना, गुस्सा आना जायज है, आपको कहोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बच्चे को कैसे मारा इसने, मैं नहीं छोड़ने वाला। यही हुआ इनके साथ में। तो सपनों की एक लेयर में से दूसरी लेयर में से एक और लेयर निकल गई, और हर लेयर अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है, एक कंप्लीट दुनिया है। और जैसे ही ये कामना उठी, जैसे ही ये डिजायर उठा इनके अंदर, इमीडिएटली ये यहां से हट करके कहां पहुंच गई, एक लेडी थी जो फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट होने वाली थी, तो सीधा उनके कोख में पहुंच गई, उनके अंदर, वहां पे गई, जा करके पैदा हुई, पैदा होते ही बड़ी हुई, बड़ी हुई, बड़ी हुई, और बड़ी हो गई, वहां पर वो लड़का है, बदला लेने के लिए पैदा हुई, उसने जा करके मारा उस शिकारी को, और वो शिकारी मर गया। और अब हुआ क्या कि वो शिकारी जिसने एक मछली के बच्चे को मारा था, वो कांटा फेंका था, वो कौन था? वही आदमी जो उस नाव पे चल रहा था। समझ आ रहा है? वो पहला, यहां से क्या बनी थी, एक लड़का बनी थी जिसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, जो बोट पे जा रहा था, क्या था वो? वही तो शिकारी था, वही तो है वो शिकारी जिसको बूढ़ा होने के बाद में मारा गया है, वो भी यही, और वो भी वही, और वो भी वही, और वो भी वही, और वो भी वही। अब सबसे मजेदार चीज, आप एक बार आंख बंद करिए, ये जो पूरी दुनियाएं क्रिएट हुई है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये सब कहां है? इनके अंदर है ना, इनके अंदर ही तो है। तो अभी यहां पर जो कुछ चल रहा है, मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि ये कहां है? आपको यह तो समझ आ गया कि आगे तक की जितनी चेन थी वो सब इनके अंदर ही है, कि पीछे की चेन कहां है? कहां है? जहां पर टाइम और स्पेस नाम की कोई चीज नहीं है। यही सवाल है जो आपको अपने अंदर भरना है, अपने अंदर डालना है, यह आपको एंड तक ले जाएगा, एंड तक ले जाएगा।
कि अगर मेरे सपनों की दुनिया में मैं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जहां टाइम भी क्रिएट हो रहा है, स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, लोग भी क्रिएट हो रहे हैं, दुनियाएं भी क्रिएट हो रही है, दुनिया के अंदर दुनिया बनती चली जा रही है, सब कुछ होता चला जा रहा है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये जो हो रहा है ये भी मेरी पीछे कोई इमेजिनेशन नहीं थी। हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब बकवास हो सकता है उसमें कुछ सच हो। उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंदर जाकर के मिलेगा, बाहर से नहीं मिल सकता। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड गॉड, आई बिलीव इन गॉड विच इज नेमलेस। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो यहां पर पहुंच गया है ना, और अपने आप को शीशे में खड़े होकर के देख रहा है। खड़े आप भी वही हो, देख आप भी रहे हो, फर्क क्या है, उस शीशे में धूल जमी हुई है। अब उसकी सारी धूल हट गई, अब वो खुद को देख रहा है, खुद के निराकार रूप को देख रहा है, जो बेस है हर चीज का, सब कुछ बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा, वो वहीं का वहीं है, बिल्कुल स्टिल है और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहा है कि ये परमात्मा है, कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है, ये कहना गलत होगा, गलत क्यों है, यहीं से तो आप आए हो ना। उसी रिफ्लेक्शन में जब खुद को देख रहे हो, जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि वो अलग है, क्योंकि आप खुद को कभी नहीं देख सकते, लेकिन जिस प्योरिटी में जाकर के लास्ट स्टेट में आप खुद को देख रहे हो तो वो आप खुद ही हो। डीपर रियलाइजेशन आपको है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो कोई कह रहा है कि ये भगवान है जो दिख रहा है, जो निराकार है, जो ये है, जो वो है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है किस वे में कह रहा है। वो कह रहा है कि इस बॉडी के लेवल से जब मैं उसको देख रहा हूं, तो एक लहर को अगर देखा जाए तो लहर समुद्र का बच्चा ही हुई ना, तो वो कह रहा है आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं बच्चा हूं और वो भगवान है, वो सच कह रहा है। कोई कह रहा है भगवान ने दुनिया बनाई है, बिल्कुल सच है, भगवान ही हेरा, लेकिन भगवान ने बनाई है, भगवान में से जो निकला उसने बनाई है, वो भी तो भगवान ही है, वो भी सच है, झूठ किसे कहोगे। कोई कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि अनल हक आई एम दैट, कि मैं ही वो हूं, वो भी सच है, कहने का तरीका अलग अलग है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, सब सच है, झूठ कुछ भी नहीं है, कहने का तरीका अलग अलग है। जो भक्ति में जाकर के डूब करके बोलेगा वो कहेगा परमात्मा है, जो ज्ञान में जाकर के डूब करके बोलेगा, साक्षात देख करके बोलेगा, वो कहेगा अरे तो मैं खुद ही हूं। बातें किसी ने भी गलत नहीं कही, ना जीसस ने, ना इसने, ना उसने, ना उसने, किसी ने गलत नहीं कही, सबने एक ही बात कही है। लोगों ने क्या किया, बातों को छोड़ दिया और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं, कि भगवान मेरी ये कामना पूरी करो, वो करो, वो करो, जबकि भगवान क्या कह रहा है, कामनाओं को छोड़ो, उसको नहीं समझा, उसमें अपना फायदा नहीं है ना, उसको नहीं समझा कि परम उसमें कैसे जाना है, परम आनंद में कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना है? ना, कुछ नहीं, भक्ति का मतलब नहीं समझा, ज्ञान का मतलब नहीं समझा। भक्ति क्या है, वो आवाज जो ना बन रही है ना मिट रही है, 24 घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूं, बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी, सपने में भी, उठे हुए भी, गहरी नींद में भी, इस आवाज का सिमरन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिमरन करना, इसको पकड़ना ही अभ्यास है, इसको पकड़ना ही भक्ति है, इसको जानना ही ज्ञान है, और इसकी तरफ भरना ही कर्म है, और कुछ नहीं, इसके बाहर और कुछ नहीं है। लोग नाम अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग नामों में उलझ गए हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे, अब इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही माइंड ने आपके इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो दो दिन नहीं लगेंगे, अगले ही सेकंड में आप यहां से निकल करके फुर वहां पहुंच जाओगे, कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे करे, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो माइंड का ही एग्जिस्टेंस खत्म, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। माइंड को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जहां पर जा करके माइंड भी अपने घुटने टेक दे, और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि ये ही प्रभु है, ये ही भगवान है, मैं क्या करूं भैया, मैं अपने हथियार डाल दिए,
अब आगे और कुछ नहीं है, तो माइंड सरेंडर कर देगा, इंद्रियां सरेंडर कर देंगी, आप सरेंडर कर दोगे। जब सरेंडर कर दोगे तो एंड में देखोगे सिर्फ आप ही रह जाओगे।